पानी पी ले। इस लड़के ने भी आज ही आना था। जरूर साहरा ने उसे बताया होगा कि उसकी इद्दत खत्म हो रही है। रम्मी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हमीदा आपा को सब कुछ समझा दूंगी अच्छी तरह से, कल ही इसका निकाह पढ़वाती हूँ। लेकिन आप जानती हैं साहिरा बहुत मुंह जोर, ऐन मौके पे अगर उसने निकाह से मना कर दिया तो क्या होगा? नहीं करेगी, हशमत की कल छुट्टी है ना, तो वो घर पर होगा। मम्मी प्लीज, जैद के आने के बारे में हशमत को कुछ भी मत बताइएगा, वरना घर में एक हंगामा हो जाएगा। फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगी, कुछ नहीं होता, बस तुम अच्छे से तैयारी करो। लड़का देखा वाला है, शरीफ है, इस मनहूस को भी कहना ढंग से सलीके से तैयार होकर आए। साहिरा, तुम्हें अभी यकीन नहीं आ रहा क्या सलूक किया तुम्हारी अम्मी ने मेरे साथ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, याद करो। क्या याद करूं जैद, मेरे तो चारों तरफ ही बस दुश्मन हैं, मेरी अम्मी, मेरा भाई, भाभी, तुम्हारी अम्मी अबू, वलीद, सब। वो सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी दुश्मन है। मैंने वो घर छोड़ दिया है, एक दोस्त की तरफ ठहरा हूं, बस तू मेरा साथ दो, फिर देखना। सारा मेरी बात को यकीन करो, तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम बस याद करो। कुछ याद मत कराओ मुझे, मेरी अम्मी ने तुम्हें बताया है ना कि मेरी मोहब्बत के दावेदार गली गली में हैं, तुम भी उनमें से एक थे और तुम्हारे साथ भी धोखा किया मैंने। भला कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटियों के बारे में ऐसी बातें करती है? उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, तुम्हें दोबारा वही मकाम मिल जाएगा जो वलीद ने तुम्हें, तुम दोबारा उस घर की बहू बनोगी। रहने दो जैद, ये तो बस बातें हैं तुम्हारी, मुझे और नहीं सुनना। मैं पहले भी मजबूर थी, अब भी मजबूर हूँ, बस अब तुम आइंदा घर मत आना और ना ही कॉल करना। मेरी अम्मी, मेरा रिश्ता, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कितनी बार समझाया ना तुम्हें कि इस लड़के से बात मत किया करो, और मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि अपनी हद में रहा करो। साहिरा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? जैद से तुम्हारी शादी होगी तो तुम पे लगे सारे इल्जाम सच साबित हो जाएंगे, और वलीद के माँ बाप के बारे में तो सोचो, उनको ये पता चलेगा तो वो तो गम और गुस्से से पागल हो जाएंगे। और अम्मी जान, अम्मी जान और हशमत क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? मेरी तजलील करते हुए, मुझे बेइज्जत करते हुए तो किसी ने नहीं सोचा। अम्मी कह रही हैं कि तैयार हो जाओ जल्दी से, तुम्हारे रिश्ते वाले आने वाले हैं।